लगा क्यों रहे हैं? तो गूगल सीट हो या एक्सेल, हम डैशबोर्ड बना क्यों रहे हैं पहले इस चीज को समझना जरूरी होता है। समझ गए? क्योंकि डेटा तो हमारे पास है ही ना, हर इंफॉर्मेशन यहीं पर है। अब इसके लिए एक चीज जान जाइए कि मान लीजिए आपकी एक दुकान है, राइट, और आप दुकान पे जॉब करते, इसलिए दुकान पे रहते नहीं, दुकान पे एक बंदे को आपने डाल दिया है, ठीक है सर। शाम के टाइम आते हैं दुकान पे, बोलते हैं बताओ क्या क्या हुआ। अब वो आपको बताना शुरू करेगा, सर मैंने 2 रुपए की साबुन बेचू, 5 रुपए का मैगी बेचा, 3 रुपए का शैम्पू बेचा, 4 रुपए का आटा बेचा, फलाना ठिलाना, इस तरह से आपको 1000 सामान बेचे, 1000 सामान गिनाएगा, तो क्या लग रहा है आप उसमें इंटरेस्ट रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। लेकिन आपको ये जानना है, आपको क्या जानना है, आपको ये जानना है कि FMCG में कितना सेल हुआ, लूज में कितना बिका, फूड ग्रोसरी में कितना बिका, अच्छा ऑनलाइन पेमेंट कितना आया था, कैश कितना आया, वाउचर कितना आया कटा हुआ है, मटेरियल कितना शॉर्टेज हुआ, कितना आप तुमने ऑर्डर किया, क्या ये सब चीज अगर आपको बताया जाएगा तो ये आपके काम की चीज है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सेम थिंग, ये जो डेटा है ना वही है कि 2 रुपए की फोटो स्टेट, 4 रुपए की फलाना ठिकाना, 8000 की एंट्री है। अब बॉस इस 8000 डेटा को देखेगा तो उसके कंफ्यूज हो जाएगा, उसको कोई एक सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब उसी चीज को इस तरह की एनालिसिस में देखेगा तो समझ पाएगा कि हाँ मेरी टोटल सेल 755 के, अभी देखिए 755 के कर दिया, मतलब 765000 कर दिया। अब यही होता आपका क्या होता, लाख में होता 7,65,000 फलाना होता तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता बंदा देखने में, आंकड़ा बड़ा आंकड़ा होता तो हमने उसको भी शॉर्ट कर दिया कि हमारा टोटल सेल 765 के का था लेकिन हमें ऑर्डर मिला था 10,086 के का। बात समझ में आया आपको? अब इस दोनों में डिफरेंस आ जाएगा कि 10,000 का ऑर्डर मिला लेकिन हमने 10,086,000 का ऑर्डर मिला लेकिन हमने 765, 1,086,000 का ऑर्डर मिला लेकिन हमने 765 का ऑर्डर दिया, मतलब कि तकरीबन 300,000 ऑर्डर मेरा लॉस हो गया, हम उसको पूरा नहीं कर पाए। बात समझ में आया? फिर आता है हमने इन जो ये जो 765,000 जो टोटल सेल्स किया है उसमें हमने 1887 क्वांटिटी को सेल किया है, 99,000 हमने डिस्काउंट दिया है, टोटल प्रॉफिट रेट हमारा 9% का है और वो क्वांटिटी पर ऑर्डर, मतलब कि एक ऑर्डर पे हमारा 1.71 क्वांटिटी का हमारा ये है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर क्वांटिटी है, मतलब कि एक एवरेज ऑर्डर पे 1.71 ऑर्डर आता है, एक ऑर्डर आया मतलब कि 1.71 क्वांटिटी बिक जाएगी। डिस्काउंट रेट है डिस्काउंट बाय सेल्स, मतलब कि हमने सेल में और डिस्काउंट के बीच में 7.72 का रेटिंग है और फाइनल सेल जो प्रॉफिटेबल होके आया सब कुछ कट खोट के वो 666 के का आया, राइट। तो इसने ओवरऑल देख लिया, ओवरऑल देखने के बाद वो जानना चाहेगा कि मेरी किस कैटेगरी के क्या सेल है, तो ये रहा हमारा कैटेगरी के हिसाब से सेल, क्या रहा कैटेगरी के हिसाब से सेल, के सीरीज में 363 के, ये जो 765 के का जो सेल है वो 765 के जो है किस किस जगह पे कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो आ गया कि 365 के, 355 के, 362 के, 391 के, 386, 749, इस तरह से अलग अलग देख गया। तो इससे उसको पता चल जाएगा कि हम बोलिए मैं कह रहा हूँ ये फिर 365 और यही मिल के आपका हो गया 700 के करीब में। तो अच्छा ये भी आपने सही बताया, 365 के, तो यहाँ पे गड़बड़, अब यही चीज तो देखना है ना, यहाँ गड़बड़ निकल गई। तो चलिए एसेसरीज में आते हैं, हमने यहाँ पे क्या डाला हुआ, अच्छा ये क्वांटिटी है, माफ कीजिएगा, ये जो हमने निकाला हुआ क्वांटिटी का सेल निकाला, कितना यूनिट बिका है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे देखिए ये आपका जोन का शेयरिंग है कि किस जोन में मैं कितना परसेंट मेरा सेल हो रहा है। अब मान लीजिए कि मेरे कोई जो जोनल मैनेजर है उसने फोन किया कि सर मेरे यहाँ जो है शॉर्टेज चल रहा है, प्रोडक्ट का शॉर्टेज चल रहा है, तो मैं यहाँ देख लूंगा ना ये कितना शेयरिंग है, मतलब 21% का शेयरिंग बेस्ड में है,
मतलब कि जो प्रोडक्शन है हमारा उसका 21% प्रोडक्ट जाना चाहिए वेस्ट में, हाँ बात समझे। ठीक है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 2010 से लेकर 2020 तक मेरा, 2019 तक मेरा सेल स्मूथ चल रहा था, कोई उतार चढ़ाव नहीं था। 2020 में अचानक उतार मैंने बढ़ गया और 2021 में गिर गया पूरा, हाँ पता चल रहा है ना। तो सबसे पहले मैं हाँ 2020 में बढ़ा क्यों इसका, इसके बारे में पता लगाऊंगा, और 2021 में गिरा क्यों, हाँ तो लॉकडाउन था तो चलो इसलिए गिर गया। हमारे टॉप टाइप ऑफ कस्टमर कितने हैं, तो कॉर्पोरेट हमारा 40% के आसपास है, कस्टमर जो कंज्यूमर होम यूजर कंज्यूमर्स हैं इंडिविजुअल वो हमारा 20 से 25 25 परसेंट के आसपास है, होम ऑफिस जो है मतलब जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो हमारा अच्छा खासा यूज कर रहे हैं, मतलब कि मेरा बिजनेस में ही अच्छा खासा जा रहा है, होम में कम जा रहा है, ठीक है सर। तो सेम ठीक चीज है। यहाँ पे हम इसका एनालिसिस करते हैं, जैसे यहाँ हमने ये वाटरफॉल चार्ट हमने बना रखा है, इसमें मुझे बता रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारा जो है ये रहा, फिर दोनों मिला के ये बड़ा, फिर फाइनल हम 100% तक यहाँ पहुंचे आए हैं, 38% इसका होम ऑफिस का है, सब टोटल यहाँ पूरा रहा। तो ये सेम चीज जो है यहाँ पे शो करता है, तो आपको बस यही दिखाना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो सबसे पहले हमने टोटल ओवरऑल टोटल कर दिया, फिर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज कैटेगराइज कर दिया, फिर जोन वाइज कर दिया, फिर ईयर वाइज कर दिया, फिर हमने यहाँ पे कस्टमर वाइज अलग अलग कर दिया, कस्टमर टाइप वाइज अलग अलग कर दिया। कस्टमर टाइप में ये हमारा अलग एक सेल्स का शेयरिंग है, ये हमारा क्वांटिटी का शेयरिंग है या प्रॉफिट का शेयरिंग है, अलग अलग शेयरिंग हमने यहाँ पे शो कर दिया, सिंपल सा। अब ठीक इसमें, है। हाँ अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब इसमें आता है मुझे ईयरली कंट्रीब्यूशन मंथ वाइज, दिख रहा है आपको कि किस साल में किस महीने हाँ में कितना सेल आया है, इसकी कंट्रीब्यूशन चाहिए ईयरली। यहाँ पे ऊपर हमारा ईयरली कंट्रीब्यूशन डेटा है, यहाँ पे मुझे ईयरली और मंथली दोनों चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम जाएंगे पिवट टेबल में। सबसे पहले तो पिवट टेबल में हमें पिवट टेबल में डेटा बनाना पड़ेगा कि ईयरली और मंथली क्या होना चाहिए, तो हमने ठीक इसको इसी पिवट को यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने इसके ठीक एक मिनट, अब इसमें क्या है कि जेड तक ही है, तो एक कॉलम इंसर्ट कर, सॉरी इसमें हम रो कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा ना मुझे, तो नीचे ले लीजिए, क्या दिक्कत है। तो नीचे देखिए कभी पिवट को नीचे मत लीजिएगा, रीजन क्या है अच्छा कि कल के डेट में बढ़ेगा तो नीचे नीचे तक आएगा ना सर, हाँ, इसलिए मैंने पिवट को वर्ड के लिया है, ओरिजिनलिटी नहीं लिया है, रीजन यही है, ठीक है। अब इस पर ठीक क्लिक है। करके एडिट पे आता हूँ, और एडिट पे आने के बाद सबसे पहले तो मैं कस्टमर को हटा देता हूँ, प्रॉफिट घटा देता हूँ, मुझे ईयर चाहिए और मंथ चाहिए, राइट। इसमें मंथ है, ईयर तो है, मंथ तो है नहीं डेटा में, नहीं मंथ नहीं है ना सर, कैसे तो हम चलते हैं डेटा में, आ जाए। मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ रो, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मंथ, और मंथ के लिए अब मैं यहाँ पे मंथ का फॉर्मूला लगाऊंगा तो नंबर में अलग होगा, लेकिन मुझे तो चाहिए जैन फैब में क्या, तो हाँ यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है, टेक्स्ट का फॉर्मूला सेलेक्ट करके इन्वर्टर कॉमा में 3 बार डीडी कर दूंगा तो ए आ जाएगा, डे आएगा, लेकिन मंथ चाहिए हमें तो इसको हम 4 बार एमएम कर देते हैं, एमएमएम मंथ आ गया, समझे सर। एक सेकंड, टेक्स्ट में जाके इधर आया, अगर 3 बार MM कर दिया तो मंथ आ गया, 3 बार जी, आए, और डी डी करूंगा तो। अच्छा, डे आएगा संडे मंडे ट्यूजडे, और वाई वाई करूंगा तो ईयर आएगा। ईयर आएगा, ठीक ठीक है। अब पिवट है। टेबल में एक बार आता हूँ, यहाँ रिफ्रेश, यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है, तो यहाँ मंथ और ईयर दोनों आ गए, तो ईयर को मैंने रख दिया रो में क्योंकि ईयर ज्यादा है, या मंथ को रख दीजिए रो में, कॉलम को यहाँ रख दिया, और टोटल सोल्ड क्वांटिटी को मैंने रख दिया वैल्यू, ठीक है सर। ठीक आ गया,
अब पहले इसको क्लोज करते हैं, उसके बाद हम डेटा सिलेक्ट करें और इसमें टोटल सिलेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखिए चार्ट जब भी लगा है तो क्या सिलेक्ट ना करें, टोटल सेलेक्ट नहीं करना है, टोटल सिलेक्ट टोटल। अब इंसर्ट हम यहां पे करते हैं चार्ट। अब चार्ट में इस तरह का आया तो लाइन चार्ट का हटा के मैं यहां पे ए वाला चार्ट लेते हैं, स्टैक कॉलम चार्ट, ठीक है आ गया सर मंथली अर्ली इसमें सब कुछ आ गया। अब इसको यहां से कट करते हैं और अपने डैशबोर्ड पे ले आके जहां डालना है वहां पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है सर, इसको डिलीट करते हैं। अब इसमें अगला रिपोर्ट की बात करते हैं, मुझे यहाँ पे कस्टमर का शेयरिंग चाहिए, सेल्स शेयरिंग, किस कस्टमर का क्या शेयरिंग है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे प्रॉफिट शेयर ये था, यहाँ पे परसेंटेज ये था आपका शेयर, सेल्स शेयर परसेंटेज था क्वांटिटी। अब मुझे चाहिए इसमें, सॉरी इसमें अमाउंट शेयर था, मुझे क्वांटिटी का शेयर चाहिए, कितना परसेंट क्वांटिटी कहाँ कहाँ मिल रहा। ठीक है सर, ठीक है। तो फिर यहाँ यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इस पिवट को यहाँ रख सकता हूँ, आप पूछेंगे सर क्यों, क्योंकि तो ये पिवट मेरा इसमें कहीं रो कॉलम फिल रही, सिर्फ वैल्यू ही है तो ये नीचे नहीं आएगा मुझे पता है, तो हमने यहाँ डाल दिया। अब इस पे मैं कैटेगरी के जगह पे कस्टमर को रखता हूँ और क्वांटिटी सोल तो है ही, और इसको चाहिए मुझे परसेंटेज में, तो डिफॉल्ट का जगह पे परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल कर, और फिर इन तीनों को सिलेक्ट करके हम ले जाते हैं इंसर्ट में चार्ट। ठीक है, और चार्ट में मैं यहाँ वाटरफॉल चार्ट के जगह पे ये वाला चार्ट सिलेक्ट कर। ओके सर, बाकी इसकी स्टाइल वगैरह अपने हिसाब से आप चेंज कर लीजिएगा। अब इसको कट किया और कट करके वापस डैशबोर्ड में आया और यहाँ यहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा। तो और भी चीजें हो सकती थी, अब जरूरी नहीं जैसा मैं रिपोर्ट बनाया वैसे ही। देखिए डेटा जो हम समझ रहे हैं उसके ऊपर मुझे अपने समझ के ऊपर एनालिसिस करना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब ये मेरा रिपोर्ट बन गया, अब बात करते हैं स्लाइसर, स्लाइसर्स होने चाहिए। तो मेरे एक्सेल वाई रिपोर्ट में किस तरह के स्लाइसर्स हैं, एक्सेल वाई रिपोर्ट में स्लाइसर जो है हमारा वो है कैटेगरी, सब कैटेगरी और ईयर का। ठीक है, ठीक है। तो पिवट टेबल पे हम आते हैं, इसको इसको डिलीट कर देता हूँ जी सर, किसी एक एक पे सिलेक्ट करता हूँ इंसर्ट, इसलिए स्लाइसर इसमें नहीं है, स्लाइसर कहाँ है डेटा में, एड स्लाइसर, एड स्लाइसर में अब यहाँ पे मुझे देना है अपना लिस्ट इसके अंदर क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ इसके अंदर हमने डाल दिया ईयर। ईयर आ गया क्या, एडिट स्लाइसर पे क्लिक किए, यहाँ ईयर आ गया, कस्टमाइज में जाइए, ए टाइटल फॉन्ट और ये ऑटो वगैरह कलर वगैरह है, ये चीज़ें आपकी हो गई। अब एक्सेल में तो अलग चीज़ें अलग तरीके से दिख रही है, बट यहाँ अलग तरीके से दिखता है, तो जैसा एक्सेल में अच्छा तो नहीं होगा क्या, क्योंकि एक्सेल हमारा डेस्कटॉप वर्जन, डेस्कटॉप वर्जन कहलाता है, ये हमारा डेस्कटॉप वर्जन तो है नहीं, तो इसमें वही कंपोनेंट यूज होते हैं जो हमारा वेब वर्जन पे मतलब क्रोम पे वर्क कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ईयर पर आ, अब यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करते ऑल है, ऑल के जगह पे मैं यहाँ से क्लियर करके मैं 2010 को सेलेक्ट करता हूँ और 2010 को सेलेक्ट करके मुझे ओके करना। लेकिन कोई चेंजिंग नहीं हुआ, वही वही मैं भी कह रहा हूँ, मेरे से भी नहीं हो रहा था ये।
अब हो रहा है चेंज, तो बेसिकली दो दो स्लाइसर लगे थे ना इस कारण से, एक स्लाइसर मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ देख, अब यहाँ पे मैं ये डिलीट कैसे किया सर, क्या डिलीट कैसे किया था सर आपने, बस सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। मतलब वहां से भी रह गया था और यहां भी रह गया था, आप ये कह रहे हैं। जी 2010 सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। ये ये थोड़ा गलत है, स्लो वर्क करता है सर। बट मेरा तो स्लो भी नहीं दिख रहा है सर। 2010, 2011 सेलेक्ट, 12 सेलेक्ट करता हूँ। 69K है ना, वर्क क्यों नहीं कर रहा? एक मिनट, एडिट स्लाइसर ये आता है, डेटा अप्लाई टू पिवट, ऑल पिवट सही तो है, डेटा ए से एन H0 ये आ गया, ईयर भी ईयर आ गया। एक मिनट, मैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है? फिर से ठीक है, वापस जाता हूँ और इस पे इंसर्ट डेटा में और ऐड स्लाइसर, स्लाइसर ऐड किया, इसमें मान लीजिए मैंने ईयर को सेलेक्ट कर लिया, ईयर आ गया। अब ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार सेलेक्ट और चेंज हुआ, और फिर अभी मैंने तो यहाँ चेंज पे, हुआ हाँ है, चेंज हुआ ना, फिर मैं यहाँ पे क्लियर ऑल 2010 को सेलेक्ट करके ओके करता हूँ, तो चेंज हुआ। अभी हुआ। इसी को कॉपी स्लाइसर करके मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ मैं सेलेक्ट, यहाँ पे आया, ऑल पे क्लिक करके मैं इसको सेलेक्ट ऑल किया और ओके किया। वर्क नहीं कर रहा, अच्छा इसको डिलीट करता हूँ। देख करता है वर्क सर, पता नहीं इस फाइल को नहीं कर रहा, मैं इसको कई जगह पे यूज किया हूँ सर। अब लेकिन यहाँ मैं पे भी मैं कल कर रहा था सर, हो नहीं रहा। जी, अब यहाँ पे वर्क कर रहा है, देखिए सारा पीवट अपडेट हो रहा है, एक ही साथ सारा पीवट अपडेट हो रहा यहाँ हाँ, यहाँ तो वर्क कर रहा है। है। ओके अच्छा एक काम करते हैं, मुझे इसको डिलीट स्लाइसर करते हैं और एक्सेल पे आते हैं और यहाँ डेटा क्रिएट ठीक है, ठीक ऐड स्लाइसर। अब है, इसमें पूछ वैल्यू रहा वहां है के ले कि लीजिए, हाँ, ठीक इसमें पूछ रहा है कौन सा चाहिए, पिवट है, तो पूछ रहा है ना, सजेस्ट आपने पिवट, जब, तो हाँ तो पिवट ले लीजिए, ठीक एक पिवट टेबल हम यहाँ पे ले लिया। ओके है। इसके अंदर जब आते हैं तो पूछता है कॉल, चूज द कॉल, एक मिनट, नहीं गलत कर लिया हमने, पिवट टेबल हमारा ए वाला लेना चाहिए था, हमने पिवट टेबल ही गलत ले लिया, ठीक इसको डिलीट करता हूँ, चाहिए फिर से स्लाइसर ऐड करता हूँ। है,
ए वाला होगा ना, इसमें नहीं आ रहा है सजेस्ट। कोई नहीं, रेन सेलेक्ट कर लीजिए। ओके एक काम करता हूँ ना, मैं एक बार पिवट में जाता हूँ, ये हाँ रहा ना। देख लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर चूज द कॉलम। नहीं, ये गलत है, गलत है, गलत है। डिलीट, इंसर्ट स्लाइसर, और डेटा को सेलेक्ट करना, हमें डेटा सेलेक्ट करना, स्लाइसर में डेटा सेलेक्ट करना होता है। एंड ओके, अब यहाँ पे चूज करना है हमें अपना ईयर। ठीक है सर, यहाँ पे अप्लाई अप्लाई ठीक टू पिवट टेबल दिख रहा है। अब यहाँ है ठीक देखिए, हमने यहाँ पे क्लियर किया 2010। नहीं सिलेक्ट हुआ, ये तो सर दुविधा में डाल दिया मुझे। मैं भी तो यही इसीलिए तो भाई परेशान था सर, मेरे तो हुआ नहीं है, कितने बार मैंने ट्राई किया हो ही नहीं रहा है। मैं मतलब तीन कि दिन से इसी का वेट कर रहा था कि संडे को स्लाइसर सर जो आके है, इसका। हाँ स्लाइसर जो है दूसरे सीट पे नहीं चल रहा है, दूसरे सीट पे आपका वर्क नहीं कर रहा, लेकिन सेम सेम सीट पे वर्क कर रहा है। बट यहाँ भी तो करना चाहिए था ना वैसे, क्योंकि अरे अब कोई करता बंदा है, डैशबोर्ड मैंने पे आएगा काम कई करने बार तो डैशबोर्ड डैशबोर्ड। तैयार किया है मैंने, तो उस पे स्लाइसर हम जो यहाँ पे करते हैं ना, पे कर्सर रखें, डेटा में स्लाइस। अब यहाँ पे हमने ईयर सेलेक्ट, अब यहाँ पे तो वर्क कर रहा है। अच्छा एक मिनट, इसको एडिट करते हैं, जाइए ओ कहीं ऐसा तो नहीं कि डेटा जो ये डेटा से वैल्यू उठा रहा है, डेटा हमें से पीवट उठाता टेबल है वन से उठानी सर, है। डेटा से ही उठाएगा ना, पिवट टेबल से क्या लेना भाई। पिवट टेबल तो जस्ट दिखा रहा था, पिवट टेबल तो पिवट टेबल का फील दिखा देगा ना सर। है अच्छा इसको अगर मैं कॉपी करके या कट करके अगर ले जाता हूँ दूसरे किसी सीट पे, पेस्ट करता हूँ, तब इसका रेंज क्या होता है, एक बार रेंज देख लीजिए इसको एडिट कर। रेंज ही तो वही है, रेंज तो चेंज बात होगा करेगा नहीं बाद में। है। हाँ रेंज नहीं चेंज हो रहा है ना, रेंज भी नहीं हो रहा है, रेंज भी नहीं चेंज। बोला कि डॉलर साइन के बहुत दिक्कत होगा। कोई बात नहीं सर, अगर फिल्टर काम नहीं करता है तो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट अभी आप और मत सीखिए, हम सीखेंगे अगली क्लास। इसमें जब फॉर्मूला खत्म हो जाता है ना, तो डेटा वैलिडेशन के जरिए या ड्रॉप डाउन बनाएंगे इसके लिए, ठीक है ना।
तो ड्रॉप डाउन से काम हो जाएगा, अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो ड्रॉप डाउन वर्क करेगा। या दूसरा ये तरीका है, एक तरीका ये हो गया आपका। दूसरा अगर आपके वर्क नहीं कर रहा है तो एक काम और करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए, इसके लिए क्या सोल्यूशन है। मान लीजिए कि वर्क नहीं कर रहा है स्लाइसर, क्या दूसरा शीट पे वर्क नहीं कर रहा है, सेम ठीक शीट है, है? तो उसके लिए जो हमने पिवट टेबल का एक ठीक जो है अलग शीट तैयार कर रखा है ना, अब इसी पिवट टेबल को हमें क्या करना हाँ चाहिए, अपने डेटा के नीचे जाके यहाँ लगा देना चाहिए। समझ आया हाँ सर? ठीक है हाँ तो एक ही डेटा पे हमारा क्या हो जाएगा, पिवट्स भी हो जाएंगे और हमारा डैशबोर्ड और चार्ट भी हो जाएगा, और स्लाइसर तब हाँ वर्क ठीक है करेगा। हाँ तो ये वाला फंडा ठीक है, मतलब बंदा अगर ठीक ये है ना? करके देखते हैं। हाँ देखिए फिर भी अगर स्लाइसर वाला पार्ट नहीं वर्क कर रहा है, फिर भी ये रिपोर्ट बेटर है, ओवरऑल रिपोर्ट बेटर है। इसमें क्या है कि इसमें यही नहीं है ना सिर्फ हमारा। अगर मेरे को पूरा दिमाग ना खराब करके अगर मेरे को एक का देखना तो हाँ देखिए फिर नहीं देख पा रहा हूँ ना अब ये मैं। रिपोर्ट जो है, आप देख पा रहे हैं सर, हाँ ठीक है कोई रिपोर्ट भी तो बेटर है ना सर, एक रिपोर्ट तो बन गई ना हमारी सर। नहीं, एक बार आप ये स्लाइसर वाला एक बार काम करिए नीचे एक बार करके सर, क्या पता हो जाए। नहीं स्लाइसर वो होगा नीचे, जैसे कि मान लीजिए ना पिवट टेबल आपका है, ठीक है ना, हम इसी पे ठीक है ठीक इसी पे हम चार्ट बना देते हैं, इंसर्ट, इसको सेलेक्ट करते हैं, तो मान है लीजिए चार्ट ले लेते हैं। चलिए आपका बोल रहे हैं, बता देते हैं आपको, चार्ट ले लेते हैं, चार्ट ले लिए। अब हमने हाँ इसको सेलेक्ट करके डेटा में स्लाइसर कर दिया, ऐड स्लाइसर। स्लाइसर में मान ठीक लीजिए है मैंने यहाँ पे ये ले लिया आपका कस्टमर ले लिया, ठीक है जब, ठीक और मैंने है ठीक इसको यहाँ ऊपर में इसको सेलेक्ट किया और उठा के ऊपर में रख दिया सर। अब है मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लियर ऑल और कॉर्पोरेट को क्लिक करके ओके किया, हो गया कॉर्पोरेट वर्क कर रहा है ना सर। ठीक है। मैं समझा नहीं वैसा इस चीज को, ठीक है कस्टमर करिए, आ गया, कस्टमर आ गया ठीक है। हाँ ठीक है बस सर। इसको उसी पेज पे कैसे ले जाएंगे? हाँ तो वही बात है ना, जो हमने हमने जो चीजें गलत की ना, आप अगर टाइम होंगे तो फिर लंबा दोबारा शुरू से बनाना पड़ जाएगा, बट आप छोटे पेज में बना के देखिएगा। आप क्या कीजिएगा, जो फॉर्मेट आपने तैयार किया है ना, जो आपने फॉर्मेट हाँ तैयार किया है हाँ इस पे दूसरे शीट पे, शीट वन पे किया है ना, ये हाँ फॉर्मेट आप ऊपर ठीक तैयार कर है लें, और पिवट टेबल के लिए जो शीट आपने अलग से की हुई है, उस पिवट टेबल का शीट जो है इसी के नीचे रख दें, यहाँ नीचे, और ठीक नीचे है कर दें, और जब आपका डेटा वर्क कर जाए तो इसको हाइड कर दीजिएगा, चढ़ाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो एक बार इस पे वही तो कह रहे, एक बार मेरे को जल्दी से एक बार करके दिखा दीजिए, सर अभी सबसे नीचे आ जाइए हाँ तो सर फिर दोबारा से बनाना यहाँ। पड़ेगा ना पिवट। एक मिनट, चलिए चलिए नीचे, आपको कुछ नहीं करना है, चलिए आप बोल रहे हैं तो एक करके दिखा देते हैं, वरना आप खुद कर सकते थे ये चीज। चलिए बताते हैं, मैं पिवट टेबल मैं लगा, समझ ही नहीं पा रहा हूँ सर। हाँ देखिए पिवट टेबल लगाया और शीट वन में गया ठीक और नीचे, यहाँ नीचे दिख रहा है ना, यहाँ नीचे आ गया और ओके कर दिया, है हाँ क्रिएट कर दिया। चलिए ठीक है ठीक तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, हाँ ओके और क्रिएट कर हाँ दिया। ठीक है अब इस पे ठीक जो है मैंने लगाया था ना आपका रो में, इसमें हाँ वैल्यू में, ठीक है वैल्यू में क्या किया था, टोटल ऑर्डर वैल्यू, टोटल क्वांटिटी, टोटल सेल्स वैल्यू, ये तो फिल्टर में चला अच्छा ये गया। सारा कुछ लेना पड़ेगा। हाँ जैसे आपने ऊपर किया है सर, अच्छा नीचे करना, जैसे आपने पिवट वन में किया है ना, ऐसे करना ठीक पड़ेगा। है मतलब कि समझ हमने गया क्या बोला समझ आपको, कि गया मैं आपको जो बनाए थे ना, बनाते समय हाँ हाँ शुरुआत हाँ में हमारे से गलती हो गई कि हमने दो अलग अलग शीट लिया, हमें एक ही शीट समझ लेना चाहिए, गया दो अलग अलग शीट नहीं लेना चाहिए। समझ गया। तो फिर अगर इसका डेटा नहीं कोई नहीं ठीक है समझ गया, फिर मैं कर लूंगा कोई इशू नहीं। चलिए इसको कर लीजिए, कल से जो है मैं हम करता हूँ, कुछ नहीं समझ मैं नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको फिर कल पूछते हैं ठीक जी दूसरी चीज है, कल की क्लास है में जो मिसलेनियस चीजें से इमेज हो गया, ड्राइंग हो गया, चेक बॉक्स और बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं वो हम कवर हाँ करेंगे, और उसके बाद फिर हम हाँ हाँ फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है सर ठीक ओके ओके, गुड नाइट। ठीक गुड नाइट सर। ये भी धक्का